जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राजमाच सलम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन, सेट नंबर 1/12/21 का तृतीय शूट का प्रश्न है। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 18 तक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा। किसी वस्तु का हम बेच रहे हैं, हमको लाभ या लाभ या जो विक्रय मूल्य हमारा दिया नहीं है, तो मान लीजिए मेरे सीपी को मान लीजिए 100 रुपये है और एसपी को मान लीजिए 20 रुपये है। हमको लाभ जब निकलना होगा या प्रॉफिट निकलना होगा तो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। देखिए और मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसको हम 100 रुपये में खरीदे हैं, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि लाभ कितना होगा। तो जो मेरा बेच रहे हैं उसमें से अपना क्रय जो जितना हम खरीदे हैं उसको घटाएंगे तो 120 माइनस 100 तो कितना आएगा, 20 रुपये। यानी जो 20 रुपये मेरा लाभ हो रहा है, ठीक है, तो जो जितना हम बेच रहे हैं उसमें हम क्रय मूल्य घटाएंगे तो मेरा लाभ निकल जाएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहेगा कि यदि हम जो मेरा एसपी है विक्रय मूल्य उसको 3 गुना कर दिए हैं तो पहले कितना था, 20 रुपये है, तब कितना हो गया, 3y, 3 गुना हो गया, तब मेरा लाभ है, तो लाभ क्या होगा। देखिए जो मेरा क्रय मूल्य तो मेरा समय रहेगा, हम जो एसपी है उसे हम कितना भी गुना कर दें, जो मेरा क्रय मूल्य तो मेरा समय रहेगा। किसी वस्तु को मान लीजिए 100 रुपये हम लिया रहे हैं तो हम उसको 2 गुना में बेचें, 3 गुना में बेचें, 4 गुना में बेचें, कितने में बेचें, तो मेरा जो मेरा क्रय मूल्य तो मेरा समान है, हम 100 रुपये शुरू में लगाएं तो 100 रुपये रहेगा मेरा, और उसे हम चाहे जितना बेच दें, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एसपी है उसको 3 गुना करिए है तो मेरा लाभ 4 गुना हो गया है। पहले जो अब एसपी कितना हो गया, 3 गुना, तो अगर इसमें हम लाभ क्रय मूल्य घटाते हैं तो मेरा लाभ हो जाएगा, पहले तो विक्रय मूल्य था 20 रुपये, अब हो गया 3y, विक्रय मूल्य हम 3 गुना कर दिए हैं, तो इसमें हम अगर क्रय मूल्य घटाते हैं तो मेरा लाभ निकल गया, तो लाभ पहले से कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तो पहले इससे कितना मेरा लाभ हो रहा था, y माइनस x, तो इसका 4 गुना हो गया। देखिए किसी वस्तु का हम मान लीजिए 100 रुपये खरीद रहे हैं, अब किसी वस्तु 100 रुपये में खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं कितना में, 20 रुपये में, तो मेरा लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मेरा लाभ हो गया। अब कह रहा है कि हम विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिए हैं, पहले 20 रुपये में बेच रहे थे हम, अब उसको 3y रुपये में बेच रहे हैं, तो 3y हो गया, तो जो मेरा क्रय मूल्य तो मेरा समय रहेगा, चाहे हम विक्रय मूल्य कितना भी कर दें या घाटा में बेचें या मुनाफा में बेचें, ठीक है। तो मेरा जो क्रय जितना हम वस्तु खरीदे हैं तो मेरा जो विक्रय मूल्य सॉरी जो मेरा क्रय मूल्य है वो तो मेरा समय रहेगा, तो मेरा क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, तो 3y में से अगर 100 घटा था मेरा लाभ निकलेगा। अब जो पहले लाभ हो सकता कितना हो रहा है, 4 गुना, तो पहले मेरा कितना लाभ हो रहा था, वाई माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका 4 गुना हो रहा था। अब इसको हल कर लेते हैं, 3y माइनस x बराबर 4y माइनस 4x। देखिए इसको इस तरफ ले आता है तो 4 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4y में से 3y जाएगा, तो बचा कितना, वाई, अब x/y तो हमारे इसको निकाल लिया कितना आएगा, 1/3। यानी किसी वस्तु का अगर यूनिट में हम मानते हैं और एक एक्स का मान 1 यूनिट है तो वो जो मेरा एसपी है वो मेरा कितना आ गया, 3, और मानते हैं कि 1 रुपये हम वस्तु खरीद रहे हैं तो बेच कितना मरा है, 3 रुपये में, तो मेरा लाभ कितना होगा, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कोई वस्तु का हम खरीद रहे हैं 1 रुपये में या बेच रहे हैं 3 रुपये में तो मेरा इससे कितना अधिक है, 2 रुपये अधिक है, यानी 2 रुपये में मुनाफा हो रहा है तो लाभ है। हम परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट हो रहा है बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 1, और परसेंटेज चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, अब 1 से भागा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा, 200%। लाभ कितना हो रहा है, 200%। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो कितना है, 200% हमको लाभ हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न क्या कर रहा,
दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम संवर्तक 4 है, उनका लघुत्तम संवर्तक क्या होगा? देखिए यहाँ दो संख्या दिए हैं, संख्या 1 और 2 मान लेते हैं, संख्या 1 और 2 है, तो इसका रेशियो कितना था? 11:17। इसका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया? 4। मेरे पास दो राशि है, रेशियो में किस मान दिया है? 11 और 17। देखिए और इसमें जब रेशियो में मेरा मान रहता है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो लगा होगा संख्या, जब मेरा कट गया है रेशियो में तो मान लीजिए और एक संख्या लगा होगा। अब किसी संख्या को एचसीएफ निकालते हैं तो मेरा क्या होता है, जो दोनों संख्या को गुणनफल करने हैं तो जो मेरा कॉमन संख्या होगा वो मेरा एचसीएफ होता है। हम इसको मान लेते हैं, देखिए हम और दो और संख्या लेते हैं 12 और 18, दो संख्या लिए, इसे तोड़ते हैं कितना है, 2 में 4 4 3 12, ठीक है, 2 2 3। अब 18 तोड़ते हैं, 3 2 × 3 × 3, 2 में 4 4 3 12, 3 3 9 9 18, अब दोनों का हम गुणनखंड कर दिए। देखिए और इसमें हम देखते हैं मेरा कौन सा कॉमन संख्या है, इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, यानी ये 2 आ जाएगा, इसमें 1 3 है और इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 आ जाएगा। देखिए और हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, जो संख्या अगर दो संख्या मेरा हम किए हैं तो दोनों संख्या जो मेरा कम रहेगा तो मेरा एचसीएफ आएगा, तो मेरा एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना हो गया, 6, ठीक है। अरे यही एलसीएम पूछता तो एलसीएम मेरा क्या होता है, ये तो एचसीएफ हो गया जो मेरा कॉमन संख्या है, ये तो मेरा हो गया, और जो बचा संख्या है वो भी मेरा होगा, तो बचा इसमें कितना, पहला में 2 बचा है और दूसरा में 3, ये भी मेरा ऐसी थी, ये भी गुना में लिखाएगा, ठीक है। किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, कोई भी संख्या, 2 संख्या हो, 3 संख्या, कितना भी संख्या हो, और उसका गुणनखंड करते हैं, जो मेरा कॉमन संख्या होगा एचसीएफ होता है, और जो कॉमन तो लिखा ही रहा और उसके अलावा भी जो संख्या आएगा जो भाई मेरा बच गया उसको भी अगर गुना करते हैं तो मेरा एलसीएम आएगा, और इसको भी गुना किया तो कितना, 3 6 36, एलसीएम मेरा क्या आएगा, एलसीएम 36। देखिए ये जो संख्या मेरा बच गया वो कहीं, और इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, और दोनों संख्या को मेरा देखिए, और इसको हम लिखते हैं 12 और 18 को लिखते हैं तो जो मेरा एचसीएफ होता है वो मेरा कट देता है, एचसीएफ जो होता है वो कट देता है, तो एचसीएफ कटा कितना, 6 6 में कॉमन है तो 2 और 3, ये जो मेरा बच गया संख्या है वह रेशियो में आता है, यहाँ रेशियो में क्या आया, जो मेरा संख्या कटा नहीं है वही मेरा रेशियो में आता है, ठीक है, और जो मेरा कट की संख्या तो वही एचसीएफ होता है, जो मेरा कॉमन संख्या है वो मेरा कट देता है, तो इसमें एचसीएफ दिया है कितना, 6 6, तो दोनों में तो कॉमन तो हम एक बार लिखेंगे, और इसका एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम लिख लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ एक बार लिखे था, दोनों संख्या मेरा कॉमन है तो कॉमन कितना संख्या है, एचसीएफ, जो मेरा नहीं कटा, जो हम जिसका रेशियो निकालना है जो वो मेरा नहीं कटा वो भी गुना होगा तो 11 × 17, अब सभी गुना कर दे मेरा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम सत्रह 34 63 68 68 में 8 से गुना करते हैं 11 से तो कितना 8 8 से 14 7 748, एलसीएम में क्या आया 748, ऑप्शन नंबर डी। देखिए और जब भी कोई मेरा रेशियो मान दिया होगा और उसका पूछेगा एलसीएम पूछेगा तो जो मेरा कॉमनों का संख्या काटता है वो क्या होता है एचसीएफ, उसको एचसीएफ कह सकते हैं। देखिए और हम रेशियो निकालते हैं तो जो मेरा कॉमन संख्या कट गया और मेरा कॉमन एक ही रहता किसी भी संख्या को हम रेशियो में लेते हैं तो उस क्या होता है सबसे छोटा यूनिट जो फिर उसके बाद कॉमन का नहीं कटे वो मेरा रेशियो में आता है, ठीक है, तो रेशियो में 11:17 दिया है, जो मेरा संख्या कटा है उसको वह सब एचसीएफ बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो मेरा कटा है कौन 4 4, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो जो मैं कॉमन संख्या एक बार लिखते हैं और जो मेरा बच गया उसको भी लिखते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ पूछता तो जो मेरा कॉमन संख्या वो लिखाता है, और एलसीएम में क्या होता है जो तो कॉमन है वो तो लिखाएगा वो तो सिर्फ क्या एक बार लिखाएगा। देखिए और 12 और 18 का हम तोड़े हैं तो इसमें भी 2 और इसमें 2 है, दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखे हैं, इसमें भी 3 है 1 और इसमें भी 1 3 है, तो जो 3 है तो ऐसा नहीं कि हम तो इसमें भी 2 3 है तो 2 3 को लिख दिए,
जो जो कॉमन है तो, और इसको लिखते हैं हम दो दो बार दो है एक बार तीन बार, तीन बार लिखते हैं, ऐसा तो नहीं किया है। जो कॉमन संख्या तो उसको एक बार लिखेंगे, दोनों और दो संख्या निकल रहे हैं तो दोनों संख्या मेरा कॉमन है, तो कॉमन क्या आ गया तीन दो गुने तीन यानी छः आ गया कॉमन, तो कॉमन मतलब क्या हो गया एलसीएफ हो गया। और जो नहीं आया तो वह एलसीएफ उससे और भी गुना करते हैं, जो मेरा संख्या बच गया उसको भी गुना कर देते हैं तो मेरा क्या होता है एलसीएम। ठीक है, आइए भाई देखते हैं कैसे नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या करा, संख्याओं ए और बी, बी और सी, सी और डी का औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है, ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ तीन जो चार संख्या उसका औसत दिया है, ए और बी, ए और बी का औसत कितना है 9, बी और सी का औसत है 6 और सी और डी का औसत है कितना 4। पूछ रहा है ए और डी का औसत क्या होगा। देखिए हम सभी का औसत जोड़ लें, ए बी सी डी का मेरा औसत जोड़ लेते हैं मेरा कितना आएगा, नहीं तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं पहले और दूसरा का औसत जोड़ते हैं, ए ए बी, ए बी सी और डी पहला और दूसरा जोड़ लिए तो मेरा औसत कितना हो गया 9 4 13, 13 आ गया। और इसमें हम बी और सी का मेरा औसत मान घटा दें तो हम बचा कितना ए और डी का मान बचेगा, तो ये मेरे पूछ रहा है किसका ए और डी का औसत पूछ रहा है, तो और यह मेरा चारों का औसत आएगा ए बी सी और डी, तो यहाँ यहाँ बी सी का मान दिया है तो इसका मान 6 घटाते हैं तो बचा कितना 7 6 13 7, तो ए और डी, ए और डी का मेरा औसत आ गया 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ दोनों का अलग मान दिया है, ए और बी का औसत कितना दिया 9, बी और सी का औसत है 6 और सी और डी का औसत है 4, और यहाँ हम पहला और दूसरा मान्य समीकरण मान लेते हैं, एक समीकरण 2 और 3, तो ए एक और तीन का हम जोड़ते हैं तो कितना मेरा क्या आएगा ए बी सी डी, चारों का मिति औसत आएगा कितना 13, पहला और दूसरा का जोड़ा तो कितना आएगा ए बी सी डी 9 और 4 13, 13 सौ औसत आ गया। पूछ रहा ए और डी का, ए और डी का तो सभी का मेरा औसत ये मान है, और संख्या पूछता है तो इसमें चार संख्या तो चार से गुना करते हैं ना, तो फिर दो से गुना करके इसको जोड़ दें तो मेरा टोटल उसका योगफल आता है। ठीक है, ये औसत है तो योगफल ना निकाल, डायरेक्ट हम औसत निकाले हैं तो दोनों चारों का मेरा मान आ गया, और बी सी का औसत दिया है, चारों का मान ए बी सी डी का औसत दिया है 13, और इसमें हम बी और सी का मान घटा दें कितना है 6, तो 6 घटा दें बचा कितना 7, तो 7 किसका मान बचा है ए और डी का औसत बचा है, सभी का औसत दिया है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या करा, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू आर को 1449 रुपये में बेचता है, तो क्यू का लाभ की प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य चाहिए, सी का जो क्यू है उसका क्रय मूल्य चाहिए, तो पी किसी वस्तु को क्यू को बेच रहा है, पी का क्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपये। पी जो है क्यू को बेच रहा है, पी जो है क्यू को बेच रहा है कितना पर 15% लाभ पर, तो पी के लिए तो विक्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीद रहा है तो उसके लिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 15% 1200 का वस्तु है और 15% लाभ है, 15% को हम 3/20 ले सकते हैं। ठीक है, और बट्टा के रूप में 15% को 3/20, यानी अब कोई वस्तु 20 रुपये का है तो हम 3 रुपये का लाभ हो रहा था, यानी कितना जो 1200 का वस्तु है तो 23/20 गुना कर देंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल होगा, 6 से कटेगा 12, 20 बार में 60 बार में, तो इसको गुना करते हैं 0 36 18 हाथ में 1 6 2 12 13 1380, इस 1380 में क्या है क्यू का क्रय मूल्य आ गया, जो क्यू का है क्रय मूल्य है सीपी, पी का तो विक्रय मूल्य होगा और क्रय क्यू जो खरीदा है तो उसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया, और कह रहा है कि क्यू बेचा है 1449 रुपये, क्यू जो है वस्तु बेचा आर को 1400 रुपये 1449 रुपये में, तो क्यू के लिए तो विक्रय मूल्य हो गया, क्यू का क्रय मूल्य कितना है
1380 बेच रहा है कितने में, 1449 रुपये में, तो लाभ कितना हो रहा है, 1449 में से हम 1380 घटाते हैं तो मेरा लाभ निकल जाएगा 9, 6, 8, 6, 14 बचा 0 तो 69, 69 रुपये मेरा क्या है, 69 रुपये जो आया है वो क्यू को लाभ हो रहा है, क्योंकि क्यू आर को बेच रहा है तो 69 रुपये का लाभ हो रहा है। अब कहा लाभ परसेंट कितना परसेंट लाभ होगा, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, किस परसेंटेज लाभ लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना लाभ हो रहा है अब बट्टा में उसका क्रय मूल्य, तो क्यू का क्रय मूल्य कितना है, क्यू तो ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया 69 रुपये और क्रय मूल्य कितना हो गया 1380 रुपये। परसेंटेज में निकालने के लिए सबसे गुना करेंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, कटेगा दो बार में, 9 दो 18, 6 दिन 12 13 दो बार में, 2 से कटेगा 10 5 बार में, यानी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, क्यों को है जो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बैच के सी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न क्या कर रहा है, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। एक बाल्टी है तो बाल्टी का 4/11 भाग भरने में उसे लगता है 5 मिनट। कह रहा कि शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष भाग निकलने के लिए क्या कर देंगे, जब भी भाग की चर्चा करते हैं किस पर करते हैं, एक पर, तो एक में से 4/11 भाग हम घटाते हैं तो बचा कितना, 7/4 11 तो 7/11 भाग, 7/11 भाग भरना है, ठीक है। देखिए हम 4/11 भाग 5 मिनट भर रहा, पूछ रहा है 7/11 भाग कितने समय में भरेगा, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए जिसका मान दिया वो बटन आएगा, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मिनट है, 7/11 भाग हमको चाहिए, ठीक है, इसका मान चाहिए तो 5 मिनट लग रहा भरने में 4/11 भाग, तो जो इसका मान दिया बटन में आता है 4/11 गुना चाहिए किसका मान, 7/11 का, तो 7/11 से हम गुना कर देंगे। अब इसको जो बट्टा में 11 तो इसको हम गुना में ऊपर ले जा सकते हैं, गुना 11 11 11 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 7 5 35 35 / 4, अब इसे तोड़ेंगे तो 8 4 32 32 बचा कितना 3/4, सेकंड में ले जाने के लिए हम 60 गुना करेंगे तो 1560, यानी 8 मिनट 15 45 सेकेंड 45 सेकेंड, मेरा आंसर कितना आ गया, जो शेष भाग भरने में 8 मिनट 45 सेकेंड लगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।